आज हम बात करेंगे आयरन एंड फोलिक एसिड टेबलेट के ऊपर एमआई मेडिसिन इंफॉर्मेशन ए टू जेड चैनल पे। आज आप लोगों के बीच में एक और नया वीडियो लेके आया है, वो होगा आयरन एंड फोलिक एसिड। आयरन एंड फोलिक एसिड तो क्या क्या बीमार होने से आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका फायदा क्या है, सब कुछ बताते हैं आज इस वीडियो में। देखते जाइए ये वीडियो। ये मेनली आपका आयरन की कमी होने से होने वाली एनीमिया, आयरन की कमी होने वाली एनीमिया, तो ये बीमार होने से आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेगाब्लोस्टिक एनीमिया, पोषण की कमी, ये मेनली ये तीन बीमारी का काम करता है। इसके ऊपर ये और बीमारी का भी ये किला काम करता है, वो भी बता देते हैं। दीर्घकालीन बीमारी से होने वाली एनीमिया, आयरन की कमी, प्रेगनेंसी में एनीमिया, विटामिन बी नाइन की कमी, तो ये सब प्रॉब्लम अगर आपका है तो ये दवा इस्तेमाल कर सकता है। बहुत फायदेमंद दवा है, बहुत अच्छा दवा है। तो ये दवाई का कभी कभी क्या होता है, आपका कुछ साइड इफेक्ट भी दिखाई दे सकता है, वो भी बता देते हैं क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो मेनली आपका मोटली या उल्टी, दस्त हो सकता है, चक्कर आना, सिर दर्द, लाल सकते, तपसा का लाल होना, बुखार, कफ्स, पेट की ऊपरी हिस्सा में दर्द, उलझन, दर्द, डिप्रेशन, एरिथमा, ये सब अगर आपको साइड इफेक्ट दिखाई दे तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर की सलाह लेना है, डॉक्टर आपको ठीक कर सकते हैं। और हर मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले एक बार ज़रूर डॉक्टर की सलाह लेके इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर ही जानता है कब कैसे इस्तेमाल करना है। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर